हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज इस वीडियो में बताने लगा हूँ ओप्पो का कोई भी मॉडल अगर आप यूज़ करते हैं, ओप्पो के मॉडल में आपको कीपैड की सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि मैं जब भी कोई भी मैसेज टाइप करता हूं तो ऊपर मेरा जो वर्ड होते हैं ऑटो करेक्शन कर रहे होते हैं या ऊपर से जो भी आ रहा था लिखा आ रहा होता है। ठीक है, आप सिंपली सा अगर चाहते हैं कि कुछ भी वर्ड ना आए, जो आप टाइप कर रहे हैं वही वर्ड लिखा आए, तो आपने सिंपली सा ये देख सकते हैं 1 2 के साथ ए राइट लिखा हुआ है, आपने सिंपली इस पर प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रखेंगे प्रिडिक्शन आ जाएगा ऑप्शन, आपने सिंपली सा इसे ऑफ कर देना है। जैसे आप इसे ऑफ कर देंगे यहाँ पर आप जो लिखेंगे वही आएगा, ना कि यहाँ पर कोई आपको सजेशन देगा कि आप ये लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई यहाँ पर नीचे सजेशन भी दे बट ऑटो करेक्ट ना करे, ठीक है, उसकी मैं आपको बताऊँगा वो आप कैसे कर सकते हैं। आपने ये वाली प्रिडिक्शन ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद आपने ये आप देख सकते हैं 3 लाइनें आ रही है, ओप्पो के सब मॉडल में सेम ऐसे ही होता है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली सा सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने स्मार्ट इनपुट में आ जाना है। स्मार्ट इनपुट में जब आ जाएंगे आपने ये देखें कर्व वर्ल्ड गेस्ट आपने ये ऑफ कर देना है, ऑटो करेक्शन जो है ये वाला ऑप्शन कर देना है ऑन कर ऑफ कर देना है, नीचे वाले भी ऑन कर देना है और ऑटो स्पेस ऑटो स्पेसेशन ऑफ करने के बाद आप बैक पे आ जाइए। बैक पे आने के बाद मैं कुछ भी टाइप करूँगा नीचे में ये आपको सही वर्ड देगा, ना कि आपके ऑटो ही ऊपर करेक्ट कर देगा। मैं ये देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ ये वही लिख रहा है और नीचे आपको सजेशन भी दे रहा है कि आप क्या लगाना चाहते हैं क्या नहीं लगाना चाहते हैं। ये सिंपली सी सेटिंग थी जो कि ओप्पो के मोबाइल में कीपैड की होती है, जो कि मैंने आपको बताई है। और आप अब अगला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, आप अगर इसमें वाइब्रेशन ऑफ करना चाहते हैं आपने फिर सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जनरल सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं कीपैड पॉपअप प्रेस ये ऑफ कर सकते हैं, और आपने अगर इसकी वाइब्रेशन ऑफ करनी है तो आप ये देखें कीपैड साउंड और कीपैड की प्रेस वाइब्रेशन आई सिस्टम डिफॉल्ट है, आपने इसे क्लिक करके ऐसे ऑफ कर देनी है तो ओके कर देनी है। ठीक है, आपने जनरल सेटिंग में जाना है और एसएमएस की सेटिंग के लिए आपने स्मार्ट इनपुट में जाना है। तो दोस्तों फिलहाल मेरी वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजी की सेटिंग की मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ। वीडियो फुल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।